ये इसकी मेन एंट्रेंस है ऑक्शन की। सर ऑक्शन में काफी सारी सहूलतें दी हैं वहाँ आपको ना, ये मस्जिद भी है ये आप देख सकते हैं अंदर से। जी जनाब हमें खाना मिल गया जी। अब हमारा ये जो ऑक्शन का यार्ड है ना जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी लगी होती हैं। ये ऑक्शन में देखें कितना रश सिस्टम। ये अभी ना बिड चल रही है, आप मेन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जी अभी हम जा रहे हैं गाड़ियों के ना ऑक्शन पे गाड़ियाँ देखने, बल्कि बड़े समय लेके अपने लिए गाड़ी देखने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कोई अच्छी मिल जाए तो गाड़ी लेंगे। एक दोस्त है उनके लिए भी गाड़ी देखनी है, तो साहब बता रहे हैं जनाब वो खाना भी खिलाते हैं हलाल, तो आपको दिखाते हैं कि खाने में क्या मिलेगा उधर, और फिर आपको गाड़ियों का जो ऑक्शन है वो भी दिखाएंगे, आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे। ये देखिए जनाब एक मिनट में ही बारिश स्टार्ट हुई है। जब हम निकले हैं ऑक्शन के लिए तो बारिश का नामो निशान नहीं था दूर तक, अभी देखे तेज किस्म की बारिश स्टार्ट है। नगोया में मौसम अच्छा है टोक्यो की नस्बत। जी ये रोड आ गया है, इस रोड पे सारे ऑक्शन हैं। जी ये ऑक्शन है जहाँ पे आज हम विजिट करेंगे, क्या नाम है जी? USS। ना नहीं रोको भाई। ये देखिए कितने बुजुर्ग आदमी होकर भी ये जॉब कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा है कि 60, 65, 70 साल की एज तक के लोग, चाहे मर्द है चाहे खवातीन है, वो जॉब्स कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की जॉब है या किसी भी किस्म की कोई जॉब है ना, वो काम कर रहे हैं। इनकी सेहत अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेहत है इन लोगों की। मैंने नौजवान लोगों की जो तादाद है वो कम देखी है, और बच्चे तो बिल्कुल कम देखे ना उनके बराबर। स्कूल में भी छुट्टी हुई है, मैंने देखा स्कूल में भी इतनी तादाद नहीं बच्चों की। बच्चों की तादाद होगी तो स्कूल में बच्चों की तादाद भी होगी ना। तो ये मेरे कुछ एक दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने भी यहाँ शादी की हुई है, तो उनकी शादी को 5 साल हो गया, तो उन्होंने भी अभी तक कोई बच्चा नहीं है वगैरह। ये लोग बच्चा पैदा करना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं समझते क्या चक्कर है, या 4, 5, 6 साल बाद जाके कुछ सोचते हैं इस बारे में। ये इसकी मेन एंट्रेंस है ऑक्शन की। काफ़ी तादाद है पाकिस्तानी लोगों की यहाँ पे ना, इंडियन लोगों की जो ऑक्शन में आते हैं। जी अभी हम ये रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। चिमा साहब एक ही चीज़ है, अच्छा टिकट चले भैया हम हाथ धोते हैं फिर चलते हैं अंदर रेस्टोरेंट में। चलो जी अभी हमने हाथ धो लिया, रेस्टोरेंट दिखाते हैं आपको। आई थिंक यहाँ से कुछ एंट्री होगी रेस्टोरेंट के लिए, यहाँ टोकन लेते हैं। यहाँ से हमें आई थिंक हलाल फूड मिलेगा। जी जनाब हमें खाना मिल गया, और हम जो रेस्टोरेंट की सिटिंग है ना वहाँ बैठे हैं अभी। काफ़ी बड़ा ही एरिया बनाया इन्होंने ना खाना खाने के लिए। और यहाँ पे माशाल्लाह हलाल फूड भी मिलता है। जी चीमा साहब देखें अभी मेरे लिए ना गाड़ी देख रहे हैं, और अभी चेक कर रहे हैं कि आज कौन कौन सी गाड़ी कितने कितने की सेल हुई है और कितनी बिड बंद हुई है गाड़ी की। जी ये वो हाल है जहाँ पे गाड़ियों की बिड लग रही है ना।
बहुत बड़ा हाल है यहाँ पे ना, देखें कितने सारे लोग बैठे हैं, भीड़ चल रही है गाड़ियों की। जीपे भी है, चिमनी वगैरह। ये गाड़ियों के मालिक हैं जो अपनी बिड देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी की कितनी बिड लग रही है, और इधर खड़े होकर मालिक डिसाइड करेगा कि मैंने गाड़ी बेचनी है कि नहीं बेचनी, मुझे बिड पसंद आई है कि नहीं आई। तो आरक्षण में काफ़ी सारी सहूलतें दी हैं वहाँ पर ना, ये मस्जिद भी है आप देख सकते हैं अंदर से, ये उन्होंने आरक्षण में मस्जिद दी हुई है जो मुसलमान क्लाइंट्स हैं उनके लिए ना, और फिर आगे मसाज सेंटर भी है, यानी कि हर किस्म की फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है आरक्षण में। ये एक्शन में देखिए कितना रश सिस्टम, ये सारे बंदे भीड़ लगा रहे हैं। ये अभी ना भीड़ चल रही है, आप मेन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि भीड़ चल रही है, और मैं भी ये अपनी स्क्रीन पे भीड़ देख रहा हूँ। ये भी प्राडो की भी भीड़ चल रही है, सारी गाड़ियों की भीड़ चल रही है, जिसे हम कहते हैं बोली लग रही है। प्राडो की अभी 4,90,000 रुपये चले गई है, नीचे आ गई है फिर। जी अभी हम बाहर जा रहे हैं गाड़ियाँ देखने, जो ऑक्शन की गाड़ियाँ ना, पहले हम सिस्टम में देख रहे थे, अभी बाहर फिजिकल जाके देखेंगे। तो अभी हम कॉफ़ी पीने आए यहाँ पे ना, अभी हम यहाँ से जनाब चाय पियेंगे, चाय मिल गई हमें इंडियन। ये इनकी जनाब रेट लिस्ट है, ये हमने ऑर्डर किया इंडियन चाय। जी देखिए अभी हमारी इंडियन टी आ गई है, और बाहर का वेदर चेक करें। ये जनाब VIP जो गाड़ियाँ ना, ये उनका सेक्शन है, चलें आपको दिखाते हैं। लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना, और ये एक्स्ट्रा लग्जरी गाड़ियाँ, और इनको उन्होंने आगे से फेंस लगाई है ताकि कोई हाथ ना लगाए। वो माशाल्लाह मर्सिडीज फरारी गाड़ी, निसान GT-RX, चिमा साहब है तो बड़े को लैन ला डाण गए लैके जाएंगे एक्सपोर्ट जो करेंगे। चिमा साहब जी $1,00,000 की तकरीबन गाड़ी यहाँ से पड़ेगी, बाकी खर्चे बाद में। वाह Lamborghini, जी अब हमारा ये जो एक्शन का यार्ड है ना, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी लगी होती हैं, ठीक है, आपने लेके तैयार करवानी है। जैसा कि ये गाड़ी है Daihatsu की, और ये अंदर से देखें कितनी VIP है, देखें कितनी प्यारी गाड़ी है, ठीक है। और ये गाड़ी की हालत देखें आप, पीछे से भी ठीक है, और एक साइड लगी हुई है बस ना, ये वाली, ठीक है। और ये गाड़ी थोड़ी हमें ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, ये 7-सीटर है, और 20 मॉडल है, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, ऊपर से भी, साइड से, दरवाज़ों से भी है ये गाड़ी, लेकिन ठीक है, मैकेनिकल तौर पे ठीक है, और अंदर से काफ़ी काम होने वाला है ना, छत भी इसका डैमेज है, और 7-सीटर गाड़ी है, और बड़ी लग्जरी गाड़ी है,
अभी हम बैटरी को लेके हैं और उसको साथ अटैच किया है और ये गाड़ी का इंजन चेक करने लगे हैं। जी अभी मौसम बहुत अच्छा है नगोया में। मैं अपने दोस्त के साथ आया हुआ था गाड़ी देखने, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियोस में दिखाया, हमें गाड़ी पसंद भी आई है। मैं अपने लिए भी एक गाड़ी देख रहा हूँ, तो मिल जाए 1000 cc अच्छी सी, तो कोशिश करें अगर मिल जाए तो आज हम उसको भी साथ परचेज कर लेंगे आज। तो अगर आपका भी कोई दोस्त यहाँ पर रहता है, आप उसकी हेल्प से यहाँ से गाड़ी मुनासिब रेट में हासिल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो काम करवाना पड़ेगा, आप गाड़ी ले कर पाकिस्तान मंगवाएँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करवा लें। ऑनलाइन भी बहुत सारी साइट्स हैं, आप जो ऑक्शन सेंटर हैं उनके बिड में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन उसे पोर्ट पे भेज सकते हैं, पोर्ट से अपने मुल्क में शिप करवा सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा इंसान को इंटेलिजेंट होना चाहिए और अपने तलक इस्तेमाल करने आने चाहिए, तो सारे काम आसान है यहाँ पे। जी अभी बिड स्टार्ट हो चुकी है यूज्ड गाड़ियों की। चीमा साहब ने अपना सिस्टम खोल लिया, हमने गाड़ियाँ पसंद की हैं तो 3-4, अभी देखते हैं उनकी बिड कहाँ तक जाती है और हम भी हिस्सा लेते हैं बिड में ना। हाल पूरा भरा हुआ लोगों के साथ ना। मैं भी देखता हूँ यार कौन कौन सी गाड़ी की बिट लगती है। यूज करी है लेकिन एक्सीडेंट गाड़ी है, थोड़ा थोड़ा एक्सीडेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता। जब हम पहले गए थे उस टाइम यूज करी थी लेकिन नॉन एक्सीडेंट थी। जी अभी नमाज का टाइम हो गया असर का और हम इसी एक्शन में नमाज पढ़ने लगे हैं। देखे वज़ू के लिए जगह बनी है, बैठ के भी और खड़े भी होकर आप वज़ू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह पर उन्होंने मस्जिद बनाई है, काफ़ी एरिया, और यहाँ पे जनाब जुम्मे की नमाज भी होती है। जी अब हम एक्शन से निकल आए और अब हम बाहर घूम रहे हैं जनाब। आज एक्शन में रेट ही बहुत ज़्यादा था, एक्शन में जो आज गाड़ियों के रेट थे वो समझ से बाहर थे। चीमा साहब ने जनाब आज कोई गाड़ी नहीं पकड़ी, आज रेट समझ लेके आसमानों से बातें कर रहे थे। हम भी जनाब बस देख देख के लोगों की बिड देख के, बिड तो लगी कोई नहीं, बहुत ही रेट बढ़ाई जा रहे थे सिस्टम में ना, तो किसी बंदे ने कोई गाड़ी पकड़ी नहीं है। गाड़ियाँ तो पसंद आई थी 3-4, हमने कोई नंबर भी लिखे थे लेकिन हमारी समझ से बाहर थी गाड़ी।